हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो हमने अल्किन का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था बड़े प्यारे तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन इज मोस्टली सिमिलर एज ऑफ दैट अल्किन। कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ छोटी सी डिफरेंस होती है कि अल्किन के केस में सफिक्स प्राइमरी हम लोग ए एन ई यूज करते हैं और अल्काइन के केस में हम लोग वाई एन ई यूज करेंगे। बस छोटा डिफरेंस है, बाकी वही सेम रूल है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए हमारे रिंग के अंदर और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। बस वही छोटी छोटी चीजें और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमको मेंशन करनी होती है। बस सफिक्स प्राइमरी लिखने से पहले हम पोजीशन मेंशन करते हैं, जैसे अल्किन में किया है। एग्जांपल से बताऊंगा, सारा थॉट क्लियर होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, ठीक। एग्जाम्पल से लेके चलेंगे तो बड़ा आसान रहता अपने लिए। तो याद रखिये बेटा, क्या लिखने वाले हम, हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। लिख लीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन्स क्या होते हैं बेटा? अल्काइन्स कुछ नहीं होते, सिंपली आप बोल सकते हो कि अल्काइन्स वो होते हैं हमारे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या होते हैं? अल्काइन्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलू तो सर ये देखिए, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अल्काइन है, ठीक। और कैसा हो सकता है, ठीक है बेटा। अब एक बात याद रखना कि ये जब ये ट्रिपल बॉन्ड एकदम साइड वाले पे होता है, मतलब कि लास्ट वाले कार्बन एटम पे होता है चेन के, मतलब आपके पास ये इस तरीके का ग्रुप है, यहाँ पे सी एच है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड जब ये एंड वाले पे टर्मिनल पोजीशन पे लगा रहता है ना, तो इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते बेटा? टर्मिनल अल्काइन। कुछ नहीं, मतलब अल्काइन टर्मिनल पोजीशन पे लगा है तो उसको एक नाम दे दिया और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम लोग आईपीसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं बेटा। इसकी बहुत सिंपल है आईपीसी नॉमेनक्लेचर, कुछ नहीं करना आपको, वही सेम हमारा फॉर्मेट रहेगा। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सफिक्स प्राइमरी है वो अल्काइन के केस में क्या यूज होता है बेटा? वाई एन ई, ठीक है। तो ये चीज हमको नोट लिखनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा सफिक्स प्राइमरी हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या यूज होगा बेटा इस केस के अंदर? वाई एन ई। तो ये अच्छे से एकदम लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी तो सब सेम है। फॉर्मेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉर्मेट में क्या लिखते हैं पहले बेटा? हम लोग प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस, जितने भी सब्सटिट्यूएंट उनका नाम लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा हम? उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट, ओपन चेन की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? हाँ, सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, सफिक्स प्राइमरी। और उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी। सिर्फ सफिक्स सेकेंडरी वाली तो बात हुई नहीं थी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मैंने कोई स्टार्ट करा नहीं है, मतलब कि आपको सिर्फ एक नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप देता हूं और कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप में दे नहीं रहा, तो सफिक्स सेकेंडरी वाली कोई बात नहीं, आपको बस सफिक्स प्राइमरी तक याद रखना है। अब याद रखना है कि सफिक्स प्राइमरी से पहले आपको पोजीशन और डबल बॉन्ड मेंशन करना है। यहाँ पे लिख देना कि क्या पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, क्योंकि अभी हम अल्काइन पढ़ रहे ना, छोटी सी चीज है याद रख लेना। जैसे अल्किन के केस में हम लोग बताते थे कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर वाले कार्बन पर अवेलेबल है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी हम लोग बताते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बस याद रखना सफिक्स प्राइमरी से पहले हम एक नंबर लिखते हैं, वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे छोटा सा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं पहले। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्वेश्चन का, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक। ये आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। सिंपल सी बात है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, यहां से यहां तक पूरी लॉन्गेस्ट चेन आ गई, सारे कार्बन आइटम भी आ गए और ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन भी आ गए, है ना बेटा। अब वही सेम रूल है, आपको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग बताओ, मैं यहां से यहां करूं यहां से यहां करूं, दोनों करके देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर करता हूं तो 1 2 3, और वही अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करूं तो 1 2 3। आप देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 2 और नंबर 3 मिला, लोवेस्ट नंबर कौन सा बेटा? लोवेस्ट नंबर नंबर 2 है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला? नंबर 2 मिला, ठीक। वैसे आप यहाँ पे देखिए, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 नंबर 2 मिला, तो लोवेस्ट नंबर कौन सा? नंबर 1। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला? 1। तो कौन सा वाला केस करेक्ट है बेटा? हाँ, सेकंड वाला केस हमारा करेक्ट है और ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल ये बोलता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है कार्बन उसको क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर। सिंपल बेटा, तो ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है। अब अगर ये करेक्ट नंबरिंग है तो इसका नाम लिख देते हैं। देखो बेटा, पहले प्रीफिक्स लिखना होता है, बट कोई सब्सटिट्यूएंट आज नहीं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, कोई ब्रांच नहीं है, तो प्रीफिक्स आने वाले नहीं, डायरेक्टली वर्ड रूट। आप देख सकते हो कितना बेटा, 1 2 3, है ना बेटा, 3 कार्बन लिखा आता है बेटा, वर्ड रूट प्रॉप, तो लिखेंगे हम लोग प्रॉप, ठीक। उसके बाद वर्ड रूट के बाद डायरेक्टली आप वाई एन ई लिखेंगे, क्या
प्रोपाइन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर नंबर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम अगर नंबर वन पोजीशन इंडिकेट ना करें तब भी चलता है, बट हम ट्राई करेंगे कि इंडिकेट हम करें। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोप वन और साथ में क्या बेटा वाई एन ई, ये हमारा नाम हो गया। क्यों? क्योंकि सफिक्स प्राइमरी हम लोग यूज करते हैं वाई एन ई किसके लिए बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर हमारे मेन चेन पेरेंट चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो फिर सफिक्स प्राइमरी का इस्तेमाल होगा बेटा वाई एन ई। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल नाम था। ठीक, एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं, देखिए ये एक और क्वेश्चन है आपका, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। एक क्वेश्चन क्या, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक, ये आपका कंपाउंड है प्यारा सा, इसका नॉमिनेचर आपको करना है, इसका ट्राई कीजिए नॉमिनेचर। सेम रूल है बेटा, अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आते हैं हमारे पेरेंट चेन के अंदर तो हम वर्ड रूट के आगे ए लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेन चेन के अंदर कितने बेटा, दो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम लोग वर्ड रूट के आगे ए लगाएंगे, बस वो याद रखना। और हम लोग किस तरीके से डाई वाई एन ई लिखेंगे क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक, तो जल्दी से आप इसका नंबरिंग करो, नंबरिंग तो आप कर ही सकते हो, इतना मुझे आपको भरोसा है, आप जो नंबरिंग कर दीजिए उसका। ठीक है, जब तक अपन ये वाला जगह थोड़ा सा क्लियर कर ले, नहीं काम करते क्लियर क्या, पहले आप उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो ये होने वाली पूरी स्ट्रेट चेन, क्यों, क्योंकि एक और दो डबल बॉन्ड सॉरी दो ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों के दोनों ट्रिपल बॉन्ड हमारे लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ गए, सिंपल सी बात। और सारे कार्बोनेट भी आ गए तो अच्छी बात हो रही है ना, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो अब देखिए बेटा, अगर आप नंबरिंग यहां से यहां पे करो या फिर यहां से यहां पे करो, दोनों केस में लिख देता हूं आपके सामने, फिर आप ही मुझे बता देना कि सर करेक्ट वाली कौन सी है ना बेटा। तो मैं दोनों के लिए दो अलग से मॉलिक्यूल बना लेता हूं ताकि दिक्कत हमको ना हो। एक बार केस में मैं कहां से नंबरिंग करता हूं, राइट से लेफ्ट, तो मैं यहां पे नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक बार नंबरिंग करता हूं मैं यहां से यहां लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर आप एक ही चीज नोट कर लें कि यहाँ पे फर्स्ट लोकेंड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको नंबर क्या मिल रहा है, नंबर वन मिल रहा है। और वेयर इज, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या मिल रहा है, नंबर टू मिल रहा है। तो आपको ऐसे भी देख के समझ सकते हो कि फर्स्ट लोकेंड रूल से ही कि यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखिए बेटा, फर्स्ट पोजिशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वेयर इज यहाँ पे सेकंड पोजिशन पे आ गया, तो लोएस्ट पोजिशन कौन सी बेटा, लोएस्ट नंबर वन है। तो ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है और ये हमारी इनकरेक्ट नंबरिंग है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे भी आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या मिला 4 एंड 5, पर छोटा नंबर कौन सा है 4, तो ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे नंबर क्या बेटा, नंबर 4, सिंपल। यहाँ पे देखो 1 एंड 2 नंबर मिला, छोटा नंबर क्या है 1, तो इसको नंबर मिला नंबर 1। यहाँ पे देखिए इसको 5 एंड 6, छोटा नंबर 5, तो इस ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 5। यहाँ पे 2 एंड 3, छोटा नंबर 2, तो 2 इसका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का नंबर। आप देखिए 1 प्लस 4 करोगे तो 5 आएगा, 2 प्लस 5 करोगे तो 7 आएगा। तो सम रूल से भी यही करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक, तो ये वाली नंबरिंग हमारी क्या बेटा, करेक्ट, नीचे वाली इनकरेक्ट है। ठीक, तो ये आपको नंबरिंग वाला फंडा याद होना चाहिए, ये हमारी इनकरेक्ट है तो इसको हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको आपके नोट्स अच्छे से बनाने तो आप इस तरीके से ये इनकरेक्ट वाली नंबरिंग दिखा के करेक्ट वाली भी दिखाओ, ताकि क्या होगा जब रिविजन होगा आपका तब आपको रिकॉल करने में आसानी होगी कि इनकरेक्ट क्यों एक करेक्ट क्यों। ठीक, अब इसका नाम लिखना है मेरे को, बहुत सिंपल सा नाम होगा, कुछ नहीं है। देखिए बेटा, प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं, एकदम स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कोई ब्रांचेस नहीं, तो प्रीफिक्स तो लिखना बनता नहीं है क्योंकि है ही नहीं, कहां से लिखूं नाम। अब वर्ड रूट लिखना है, कितने कार्बन है मेन चेन में, 6, तो वर्ड रूट क्या है बेटा, हेक्स, क्या जाएगा बेटा, वर्ड रूट हेक्स। बट देखिए, सिंस मेन चेन के अंदर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वर्ड रूट के आगे ए लगा देंगे, तो यहाँ पे हेक्स नहीं, करेक्ट वर्ड क्या आएगा, हेक्सा। ठीक, तो ये हेक्सा हो गया हमारा। उसके बाद हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं क्या बेटा, देखो वाई एन ई लिखने वाले सफिक्स प्राइमरी, बट दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डाई वाई एन ई, डाई का मतलब क्या है, दो बार ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, पर हमको बताना पड़ेगा कि दोनों ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, दोनों ट्रिपल बॉन्ड को जो नंबर मिला है वो मेंशन करना जरूरी है, वरना क्या होगा, आपको भी पता है कि सामने वाला बंदा अगर आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा तो वो क्या कर सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है, वो गलत स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप उसको एकदम सब कुछ सही से बता दो, यहाँ और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि बेटा अगर आपको एड्रेस लिखना है, सपोज आप एक बिल्डिंग में रहते हो, ठीक, आपने बोल दिया मैं फलाने बिल्डिंग में रहता हूँ आ जाना, आपने उसको फ्लैट नंबर बताया नहीं, अब वो क्या करेगा, हर फ्लैट में आके ठोकेगा, भाई मेरा दोस्त रहता है क्या, मेरा भाई दोस्त रहता है क्या, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना उसके लिए। बट अगर आप मेंशन कर दो कि सेकंड फ्लोर पे
राइट वाला फ्लैट है, मतलब दो ही फ्लैट है, राइट वाला फ्लैट है, तो क्या आराम से वो जाके पहुंच जाएगा वहीं पे। तो सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है पीसी नेमिंग में, ताकि सामने वाले को जब भी वो इस नाम का यूज करके स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो दुनिया में कोई भी इंसान हो वो यही स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है बेटा, तो एग्जाम ने लिख दिया, उसके बाद हम लोग सफिक्स प्राइमरी लिखने वाले हैं। सफिक्स प्राइमरी क्या बेटा, दो बार आ रहा है तो दोनों की पोजिशन बता दो बेटा, इसका नंबर नंबर वन, इसका नंबर फोर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे डैश वन कॉमा फोर डाई वाई एन ई, जिसका नाम हो गया एग्जाम वन कॉमा फोर डाई वाई एन ई। ठीक, डाइन कुछ भी बोलो इसको, जो भी बोलना बोल सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये डाई वर्ड रिप्रेजेंट क्या करता है, दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड दो काम पे आ रहे हैं, एक तो नंबर वन पे आ रहा है, एक नंबर फोर पे आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे वर्ड ए भी ये रिप्रेजेंट करता है कि एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हमारी चेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, जल्दी नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, एक क्वेश्चन और, बहुत सिंपल है बेटा। अभी बता आने वाला जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, सारे सिंपल, क्योंकि आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन ये सारे सीख लिया, स्पायरो बाइसाइक्लो है ना बेटा, ये सारे कंपाउंड या फिर साइक्लो कंपाउंड आपने सीख लिया, बाइसाइक्लो स्पायरो सब हो गया आपका। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस पता है क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, या तो सफिक्स प्राइमरी चेंज करें या तो सफिक्स सेकेंडरी। बस आने वाले केस देखोगे बहुत सिंपल सिंपल है सारे फंक्शनल ग्रुप के नॉमिनेशन, क्यों, क्योंकि हमको मेन चेन काउंट करना आ गया, नंबरिंग काउंट करना आ गया है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबरिंग देना, मेन चेन फाइंड करना है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड वाला आपको करके बताना है। सी एच थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एच थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका नंबरिंग दीजिए बेटा, नंबरिंग और साथ में नाम भी लिखना आपको, सी एच थ्री, गलत स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, वही मैं सोचू कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ। अब सही है, ठीक, वरना वहां पे कार्बन ने छह बॉन्ड बना लिया, पागल है क्या। ये क्वेश्चन है आपका, आप लोग अटेंड कीजिए, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक, इसकी नंबरिंग कीजिए, नाम लिखे आराम से पॉज करके, बहुत सिंपल सी चीज है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल बेटा। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए कैसे करना है नंबर, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे बताइए, लॉन्गेस्ट चेन आप यहां से ऐसे लेंगे, ये लेंगे कि स्ट्रेट चेन, वेरी गुड, स्ट्रेट चेन लेना है ताकि सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आ जाए। ठीक, अब नंबरिंग करना बड़ा आसान है, यहां से नंबर करो तो वन टू, फर्स्ट लोकेंड नंबर टू पे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड पे नंबर टू मिलेगा, यहां से नंबर करो तो नंबर वन मिलेगा, कहां से, अच्छा बेटा नंबर वन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बहुत सिंपल है। पहले प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट देखो बेटा, मिथाइल ग्रुप अटैच है थ्री पोजिशन पे, तो लिख देंगे थ्री मिथाइल, सिंपल बेटा, थ्री मिथाइल हो गया। उसके बाद कितने कार्बन, छह कार्बन, तो वर्ड रूट क्या जाएगा बेटा, हेक्स, सिंपल हेक्स होगा कि हेक्सा होगा बेटा, वेरी गुड, हेक्सा होगा, क्यों, क्योंकि मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वर्ड रूट क्या ए लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, पोजीशन बताएंगे, इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन नंबर वन है, इसकी नंबर फोर है। ठीक, दोनों नंबर नहीं बताते, वन टू नहीं बताते, वन एंड टू में जो छोटा है उसको बताते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन है, इसको नंबर वन मिला, नंबर टू मिला, बट आप कौन सा बताओगे, छोटा वाला नंबर बताते हो। ठीक, तो नंबर वन पे ये है और नंबर फोर पे ये, तो वन कॉमा फोर डाई Y एन E, क्योंकि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स प्राइमरी का यूज करते हैं बेटा, Y एन E, डाई क्यों लिखा, क्योंकि वो दो बार आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो ये हमारा नाम हो गया सिंपल सा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, हम ट्राई करेंगे क्या करने के लिए, हम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, किसकी नंबरिंग होती है। ठीक, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन हमारा, एक और क्वेश्चन, अब थोड़े से क्वेश्चन हम ट्रिपल बॉन्ड के और करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक, तो ये ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है बेटा, तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे आराम से, टेंशन ना ले, बनता कैसे ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं ना।
तो जल्दी से आप उसका नॉमिंग से ट्राई कीजिए। अभी तो फिलहाल सिर्फ हम लोग नेमिंग सीख रहे, एक बार नेमिंग सीख लिए फिर हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन जी। बिकॉज अगर आपको जीओसी आती है तो बेटा समझ लो आपको पूरी ऑर्गेनिक आती है, और वो मैं बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ही ज्यादा डीप में डिस्कस करके। ठीक बेटा, चलिए, ये तो क्या हमारा साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक में तो नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है, बस साइकिल को पूरे को कवर करना होता है हमको। ठीक, अब मैंने एक चीज बताई थी, वो हमेशा याद रखना है कि हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कवर करके नंबरिंग होती है। मतलब अगर नंबर वन आपने यहाँ पे दिया है तो वन टू ऐसे नहीं लिख सकते, वन यहाँ पे लिखा है तो टू यहीं पे लिखना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के दूसरे कार्बन पे। समझ में आया, पता ऐसे लिख रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव, नहीं गलत है, वन टू थ्री मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना आपको। ठीक, फिर आप कैसे लिख सकते हो, वन टू ना कि वन टू, समझ में आ रहा है, वन के बाद टू यही जाएगा दूसरे वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक, तो देखिए सबसे सिंपल नंबरिंग यहां से होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। जो बच्चे सोच रहे हैं ऐसा क्यों, क्या मैं बता दूं बेटा, अगर आप यहां से करते हैं वन टू थ्री फोर तब भी ट्रिपल बॉन्ड का नंबर वन मिलता, बट दिक्कत हो जाती है कि इस कार्बन को जो जिसपे मिथाइल अटैच है उसका नंबर दस मिल जाता, तो मिथाइल बेचारा नाराज हो जाता, बोलता है कि यार मुझे दस नंबर दे दिया। बट हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से नंबर करें तो क्या होगा बेटा कि अल्काइन को अभी नंबर वन ही मिल रहा है, और साथ में किसका फायदा होगा बेटा, मिथाइल ग्रुप को इसको नंबर लिखे नंबर थ्री। ठीक, तो सिंपल हमारी नंबरिंग है। अब हम लोग पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, थर्ड पोजिशन मिथाइल का लिखूंगा थ्री मिथाइल, सिंपल। ये पूरा का पूरा बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले क्या लिखते हैं, वो वर्ड साइक्लो, फिर वर्ड रूट दस कार्बन के लिए क्या बेटा डेक, है ना, फिर डेक के बाद क्या आएगा बेटा वन पोजीशन पे हमारा क्या है आइन, तो वन आइन, तो ये हमारा सिंपल थ्री मिथाइल साइक्लो डेक वन आइन, सिंपल। जल्दी से नोट कर लीजिए, चलिए अब मैं आपको कुछ को क्वेश्चन देता हूं आपको, दैट क्वेश्चन आपको ट्राई करना और उसके बाद फिर आप देखना सॉल्यूशन। ठीक, ये वाले अब आपको ट्राई करने हैं ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चंस, मुझे पता है विश्वास है पूरा आप पे, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, लग नहीं रहा है ट्रिपल बॉन्ड पर बना देते हैं सोचो से। ठीक, इसका नाम लिखना आपको सिंपल सा नाम, कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ठीक, एक और क्वेश्चन है आपको, और क्वेश्चन देते हैं आपको एक और, ये और क्वेश्चन है आपका, तीन क्वेश्चन दिए, तीनों को ट्राई कीजिए आप, बहुत सिंपल है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, चलिए मैं डिस्कस करता हूं, आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत सिंपल है, देख सकते हो मेन चेन यहां से लेके यहां तक है, और यहां से नंबरिंग करूं वहां से नंबरिंग करूं सब कुछ सेम ही, क्योंकि एकदम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो नंबरिंग मैं यहां से करता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिंपल। अब देखिए बेटा प्रीफिक्स कुछ सब्स्टिट्यूशन अटैच नहीं, प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या लिखूंगा एक्स जा, जा क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं इसलिए वर्ड रूट क्या ए आ रहा है, इस ट्रिपल बॉन्ड का नंबर वन, इसका नंबर थ्री, इसका नंबर फाइव, तो लिखेंगे वन थ्री फाइव, कितने हैं बेटा तीन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्राई वाई एन ई, ये इसका नाम हो गया हेक्सा 1.3.5 ट्राई एन, सिंपल, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन की बात करें, आप ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको पता ही, नंबरिंग कैसे करनी है आपको, नंबरिंग आता है वन टू थ्री ऐसा कर सकते हो, या फिर वन टू ऐसा, क्यों, बिकॉज हमेशा याद रखना है कि साइक्लिक और बेटा ओपन स्ट्रक्चर के अंदर हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, और लोएस्ट नंबर कितना मिल सकता है, नंबर वन। तो देखिए बेटा इसका नंबर कैसे दे सकता हूं मैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
ऐसा नंबर क्यों दिया? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं 1, 2, 3 देता और 4, 5, 6 देता तो बेटा ये जो इथाइल ग्रुप उसका नंबर 6 मिलता। बट अल्फाबेटिकली बताओ बेटा, मिथाइल पहले आता है कि इथाइल पहले आता है? हाँ, इथाइल पहले आता है। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि जो नंबर 3 है, मतलब नंबर 1 तो इसको मिल ही रहा अभी भी, पर नंबर जो 3 है वो किसको देना ट्राई करूंगा मैं? इथाइल को, क्यों? क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है। तो नाम लिखेंगे पहले अल्फाबेटिकली, पहले प्रीफिक्स लिखना हमको, तो पहले प्रीफिक्स में इथाइल आएगा तो 3 इथाइल, उसके बाद बेटा 3 पोजीशन में मिथाइल अटैच है तो हम क्या करेंगे? डैश 4, 5, 6 ट्राई मिथाइल। तो ये हमारे सारे प्रीफिक्स कंप्लीट हो गए। ठीक, प्रीफिक्स के बाद डायरेक्टली वर्ड रूट लिखते, साइक्लिक सिस्टम है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? वर्ड साइक्लो लिखेंगे पहले, फिर वर्ड रूट लिखेंगे हेक्स, फिर उसके बाद हेक्सा लिखोगे क्या? नहीं, सिर्फ हेक्स लिखना है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो हेक्स के बाद डैश पोजीशन बताएंगे कहां बेटा? नंबर 1 है इसकी पोजीशन, और साथ में वाई एन ई क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहा हमारे मेन चेन के अंदर तो एक अल्काइन है और अल्काइन के लिए सफिक्स प्राइमरी इस्तेमाल होता है बेटा वाई एन ई। सिंपल, तो ये दो नाम हो गए, वो वाला नाम अभी डिस्कस करते हैं, पहले आप इनको छाप लीजिए। ये सिंपल सी चीज है, देख लेते हैं बस, लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ बेटा? ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ, देखो 1, 2, 3 कार्बन ना, तो लिखेंगे कैसे? 3 प्रोपाइल। ठीक, फिर बाद में 3 प्रोपाइल के बाद बेटा क्या वर्ड रूट आएगा? 6 कार्बन के वर्ड रूट आएगा हेक्स, और साथ में क्या? हेक्स 1 आइन। ये हमारा नाम हो गया सिंपल सा 3 प्रोपाइल हेक्स 1 आइन, क्योंकि देखो थर्ड पोजीशन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं? स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, 1 को मिथाइल, 3 को प्रोपाइल बोलते हैं, तो ये हो गया 3 प्रोपाइल हेक्स 1 आइन। ठीक, तो आज के क्लास में हमने कंप्लीट करा ट्रिपल बॉन्ड, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिपल और डबल बॉन्ड की मिक्सिंग और उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे। ठीक है, उसके खत्म होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन है ना बेटा, साइनाइड, नाइट्राइल, NO2 ग्रुप, बहुत सारे हमारे पास, वो एस्टर, फिनॉल, इथर, सारे सारे सारे। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मिक्सिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत हो तो बड़ा बिल्कुल बिना झिझक के कॉल आप कर सकते हैं। जय केमिस्ट्री।